1935 से लेके 1956 तक बाबा साहेब ने 21 साल दो तरीके का अध्ययन किया, एक धम्म का अध्ययन किया और एक सामाजिक अध्ययन किया। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ एक साथी हैं, हम उनको जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? बोधि धर्मन। बोधि धर्मन आपने नाम रखा है, अपने आप में एक बड़ा विशाल नाम है, क्योंकि बुद्ध का नाम रखना और बुद्ध के मार्ग पर चलना यह एक बहुत क्रिटिकल भी है और बहुत सरल भी है। हम आपसे जानेंगे कि आप बाबा साहब ने संकल्प के अंदर क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और किस तरीके से बौद्ध धर्म ग्रहण करने से क्या सभी मुक्ति के द्वार खुलते हैं, यानी कि सरल रास्ते हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, या ये जो एक जो सीढ़ी बनाई है मनुवादी लोगों ने जातियों की, यह जातियों की सीढ़ी भी टूटती है, नहीं टूटती है, और क्यों नहीं इसके अंदर लोग जल्दी से आ पाते हैं, वो भी बताएँ। जैसे कि बाबा साहब ने बताया है कि वर्ण व्यवस्था है वो बिना सीढ़ी का ढांचा है, उसमें एक सीढ़ी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार ही लोग होते हैं। जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा, उसका ऊपर या नीचे कोई किनारा नहीं है। जो वैष्णव है उसका भी कोई किनारा नहीं, फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण। यानी मनुवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए बाबा साहेब ने 1935 में घोषणा की थी येवला परिषद में। उन्होंने कहा था, मेरा जन्म भले हिंदू में हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू होके मरूँगा नहीं। 35 से लेके 1956 तक बाबा साहेब ने 21 साल दो तरीके का अध्ययन किया, एक धम्म का अध्ययन किया और एक सामाजिक अध्ययन किया, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था उनको उनके समाज के अंदर देखना चाहते थे। क्योंकि उस समय में बाबा साहेब अछूत समाज से थे, अस्पृश्य समाज कह सकते हो आप वर्ण व्यवस्था के अंदर, या फिर अति शूद्र कह सकते हो, जैसे हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था। तो ये 21 साल उन्होंने अध्ययन किया, उन 21 साल अध्ययन दौरान उनके बाद बहुत सारे धम्म गुरु आए थे, सिख के भी आए थे, मुस्लिम के भी आए थे, जैन भी आए थे, लिंगायत भी आए थे, बहुत सारे आए थे। लेकिन बाबा साहब को उनका जो समाज है, जो अस्पृश्य थे उस समय में थे, अछूत समाज से बिलोंग कर रहे थे, अति शूद्र थे, तो उनको एक अच्छा समाज देना चाहते थे। तो उनको बहुत धम्म में वो दिखा, उन्होंने जाना, पहचाना, बहुत अध्ययन किए, बहुत उन्होंने आंदोलन भी किए है, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं किए। उन्होंने बुद्धिस्ट जो है बड़े बड़े नेपाल में जाके, बर्मा में जाके, बहुत सारी जगह पे उन्होंने परिषद में भी उन्होंने आयोजन किया था, वहाँ पे भी उन्होंने खुले तौर पर किया था कि ये दलित शब्द जो है, बराबर दलित शब्द मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं अनुसूचित जाति शब्द बेहतर था, क्योंकि बाबा साहेब ने तीन कैटेगरी डिवाइड की है बंधारण के अंदर, संविधान के अंदर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पछात वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग। तो अनुसूचित जाति का जो समाज है गुजरात के अंदर 30 जाति है, बराबर, और पूरे भारत के अंदर अपने जाए तो लगभग 1800 से 1820 आपको जाति देखने को मिलती है। तो वो जाति जो है, वो जाति जो है उनको एक संकलन करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि आपको भारत को भी बौद्धमय बनाना है और आपको भी अच्छे आचरण से, स्वाभिमान से जीना है तो आपको बौद्ध धर्म अंगीकार करना रहेगा। तो बाबा साहब ने ये एक बार कहा, लेकिन इसमें हुआ उल्टा। भारत में अभी तक 72 साल हो गए लोग बौद्ध धम्म अंगीकार कर रहे, उसमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि वो बौद्ध धम्म अंगीकार कर रहे हैं लेकिन वो केवल आचरण से हो रहा है, पंचशील का पालन करने के लिए, अष्टांगिक मार्ग या 10 पारमिता के लिए। लेकिन बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म दीक्षा का कहा था, उनको संवैधानिक बौद्ध बनने को कहा, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं एक RTI एक्टिविस्ट भी हूँ, मैंने 2018 में एक RTI की थी केंद्र में और गुजरात सरकार में। जब मैं डेटा मांगता हूँ, बाबा साहब ने कहा था भारत बौद्ध में मुझे चाहिए, भारत बौद्ध में बनना चाहिए, लेकिन वो कैसे बनेगा, क्या आचरण से बन जाएगा, क्या दीक्षा लेने से बन जाएगा, या श्रामणी के कुछ चीवर, या अपने पंचशील का अध्ययन करके, या अष्टांगिक मार्ग, नहीं होगा। अगर आपको सामाजिक क्रांति चाहिए तो साथ में आपको धम्म क्रांति भी करनी पड़ेगी, उनका 22 जो प्रतिज्ञा है उसका पूर्ण रूप से आपको पालन भी करना पड़ेगा, तब जाके आप बौद्ध बन सकते हो। और गुजरात के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है राज्य सरकार के अंदर, अगर आपको गुजरात में बौद्ध बनना है तो आपको DM कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। महाराष्ट्र में ऐसा सिस्टम नहीं है, महाराष्ट्र में आप गैजेट करवा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे है आपको DM की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद बौद्ध धर्म में दीक्षा लेनी पड़ती है, तब जाके आपका जो नाम है हिंदू में से कमी होकर बौद्ध में रजिस्टर होगा। 2018 में मैंने जब RTI की तो गुजरात में केवल 48,899 केवल ऑन रिकॉर्ड बौद्ध है। मैं खुद बौद्ध बनाने के लिए अभी मेरा प्रयास है, पिछले 4 साल से मैं खुद ऑन रिकॉर्ड प्रक्रिया कर रहा हूँ पूरे गुजरात के अंदर। कोई भी आप तहसील उठा लो, कोई भी गाँव उठा लो, या कोई भी जिला या शहर उठा लो, मैं वहाँ जाकर उनको कैडर विलेज देता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ ऑन रिकॉर्ड बौद्ध कैसे बना जाता है गुजरात के अंदर। जब तक आपकी संख्या दिखेगी नहीं, हिंदू का ढांचा गिरेगा नहीं, ये कौन है,
ये हाँ, जैसे आपने बताया कि ये कहानी है बुद्ध का, आपने बताया, आपने हिंदू धर्म की बात करी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों आदमी बुद्धिस्ट बने? वो तो हिंदू है, तो हिंदू बने रहने में क्या तकलीफ है उसको, है ना, कोई परेशानी है वो भी बताएं क्या है? जी बिल्कुल, पहली बात तो है भारत के किसी भी हिंदू को हिंदू का ज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं, नॉलेज ही नहीं है, बराबर। हिंदू नाम का शब्द कहाँ से आया है, कौन सा शब्द है, वो भी उनको जानकारी नहीं। हिंदू शब्द फारसी शब्द है, ना कि अपना कोई भारतीय शब्द है, हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, नहीं है, वो एक फारसी शब्द है, मुगल के समाज में आया था। और ये भी सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख है, आप देख सकते हो जी, बराबर, उसके अंदर भी है। तो हिंदू रहने में क्या तकलीफ है, वो आपने मुझे क्वेश्चन किया, तो मैं बताना चाहूँगा। हिंदू रहने में भारत देश में 6,743 जातियाँ हैं जी, वो जाति का अलग अलग बंधारण है, संविधान है, वो उसके हिसाब से, जैसे कि मैं रोहित समाज की बात कर लूँ, वनकर समाज की बात कर लूँ, बराबर, ये समाज है गुजरात के अंदर, पूरे भारत में भी है। लोग उनको दलित कहते हैं, मैं दलित नहीं कहता हूँ, मैं अनुसूचित जाति शब्द यूज़ करता हूँ, बराबर। तो ये जाति जो है, तो बाबा साहब ने पुस्तक भी लिखी है जात पात का विनाश, बराबर। तो उसके रिगार्ड अगर जाति में आप रहोगे तो आपकी ना ही उन्नति होगी, ना ही आपका उद्धार हो सकता है। गले में माला पहनने से, तिलक करने से, आपको मंदिर जाने से आपका कुछ भी काम नहीं होने वाला है। आपका जो है बुद्ध में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारा, ये सभी है। जहाँ पे समता होगी वहाँ पे झगड़े की गुंजाइश ही नहीं है सर। बुद्ध धर्म में क्या है वो बताएं? बुद्ध धर्म में यही है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, न्याय है, सील है, आचरण है, भाईचारा। आडंबरवाद, पाखंडवाद बोला जाता है, वो बुद्ध धर्म में होता है, हिंदू धर्म में होता है? आडंबर, इसमें क्या है, बुद्ध के आडंबर में ऐसा परिभाषा है, भारत के अंदर लोगों को बौद्ध की जो परिभाषा अलग ही समझ में आती है। भारत में ऐसा है कि बौद्ध यानी कि तिब्बतन में जो संस्कृति है, नेपाल में जो संस्कृति है, थाईलैंड में है, वो यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे बाबा साहब ने ये चीज़ उन्होंने खुद की किताब में लिखा, बुद्ध और उनका दम, बुद्ध और उनका दम, उसके अंदर ये है ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने ये शब्द यूज़ ही नहीं किया है। तंत्रयान, वज्रयान, महायान, ये सब है, लेकिन भारत में नहीं है। यहाँ पे है वो आम्बेडकरवादी बौद्ध बनने के लिए, तब जाके इनको उत्तर। चलिए, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।